ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है तो हमारे घर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट लगा होता है जो कि ठंडियों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, वह होता है गीज़र। तो गीज़र जो है वह मतलब आप समझ लीजिए, या आप नहाने होता है या आपको बर्तन धुलना होता है घर में किचन में, उन सभी जगहों पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वहाँ पर जो पानी है वो ठंडा होता है, तो वहाँ पर गीज़र के पानी की जो ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बात आती है कि जो गीज़र होता है, या तो आपके घर में लगा हुआ है या इस बार आप इस साल में आप लगवाएंगे, तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि जो गीज़र है वह कितना करंट लेता है, क्योंकि करंट जितना वो लेगा उसी के अनुसार उसके लिए जो आप MCB लगाएंगे वह उसका निर्धारण आप कर पाएंगे, क्योंकि उसका आपको यह पता होना चाहिए कि वह कितना करंट ले रहा है आपका, और उसी से आप करंट जो MCB है उसका निर्धारण कर पाएंगे। और जब MCB का आप निर्धारण कर पाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सेफ्टी है घर में, उपकरण की जो सेफ्टी है वो आपकी कंप्रोमाइज नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि जो गीज़र होता है उसमें कितने एम्पियर की हम MCB लगाएं जो कि सही है। देखिए, गीज़र में सही मान का यदि आप MCB नहीं लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके गीज़र की जो सेफ्टी है वो कंप्रोमाइज होगी, सही प्रकार से उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें जो करंट है वो कंट्रोल ही आप नहीं कर पाएंगे। तो बात आती है कि कितने एम्पियर का हम उसमें MCB लगाएं। देखिए, इसका यदि आप एक लाइन में यदि उत्तर जानना चाहते हैं, तो यदि सामान्य रूप से जो हमारे घरों में जो गीज़र उपयोग होता है वह 2 किलोवाट का गीज़र उपयोग होता है, ठीक है। तो 2 किलोवाट का जो गीजर होता है अगर उसको 220 वोल्ट प्रॉपर सप्लाई उसको मिल रही है तो वो लगभग लगभग 11 एम्पियर के आसपास इसका करंट होता है। तो जब 11 एम्पियर करंट होगा तो आप इसमें 16 एम्पियर के लिए आप MCB लगा देते हैं तो आपके गीजर के लिए सफिशियंट MCB होगी और आपका गीजर जो है मतलब आराम से चलने लगेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि आप इस चीज़ को समझने से आपकी जो जिज्ञासा है यदि वो ख़त्म हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ये भी जानना चाहते हैं तो कि 11 एम्पियर आया कहाँ से और 16 एम्पियर की MCB हम क्यों लगाएं, इस चीज़ को यदि आप जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो गीज़र होता है उसकी जो क्षमता होती है, वाट क्षमता होती है, उस पर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप कितने एम्पियर का आप MCB लगाएं, क्योंकि जितना ही ज़्यादा इसकी जो वाट क्षमता बढ़ेगी उसी के अनुसार करंट बढ़ेगा और उसी के अनुसार आपको MCB की जो रेटिंग है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो अब वोल्टेज जो है हमारे घरों में कितना आता है, 220 वोल्ट की सप्लाई आती है हमारे घरों में, तो जो मतलब जो गीज़र की जो साइज होती है उसी पर MCB की करंट रेटिंग निर्भर करती है। उसके अलावा जो गीज़र की जो सप्लाई देने वाली जो केबल है उसकी साइज भी निर्भर करती है, क्योंकि जब ज़्यादा मान का जब आप गीज़र लगवाएंगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा वाटेज का जब आप गीज़र लगवाएंगे तो उससे क्या है करंट जो बढ़ेगा, तो जब करंट बढ़ेगा तो आपको MCB की साइज भी बढ़ानी पड़ेगी और उसी के अनुसार जब करंट बढ़ेगा तो आपको जो केबल है, जो सप्लाई देने वाला जो केबल है गीज़र को, उसकी साइज भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इन दोनों के लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा कि गीज़र की जो साइज है उसी के अनुसार ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी। आगे आप समझेंगे कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 2000 वाट का हमारा हीटर है, गीजर है आपका, तो इसके लिए आपको MCB का सिलेक्शन करना है। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, ये होता है मतलब P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू कॉस फाई, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ से देखिए, आपको करंट निकालना है आपको, तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा पावर बटे वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, ये फार्मूला हो गया। तो देखिए, पावर हमारा कितना है 2000 वाट का है और बटे वोल्टेज आपका कितना है 220 वोल्ट इंटू पावर फैक्टर 0.8 हो गया, क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है वो 0.8 ही होता है, तो 2000 वाट हो गया, ये 2000 वाट। और जब आप इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा, और जब 176 का डिवाइड करेंगे 2000 में तो 11 एम्पियर आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो 11 एम्पियर आ गया। अब चूंकि आपको 11 एम्पियर का तो करंट मिल गया, मतलब जो 2000 वाट की जो गीज़र होगा वो कितना एम्पियर लेगा आपका, वो 11 एम्पियर का तो करंट लेगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि कुछ बहुत मार्जिन आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि कभी वोल्टेज ज़्यादा कभी वोल्टेज कम, इस प्रकार से थोड़ा बहुत तो टॉलरेंस होता ही होता है, मतलब एक आध एम्पियर का तो आपको अंतर आपको रखना ही पड़ेगा, कम से कम 10% का, तो 1 एम्पियर का तो आपको फ़र्क रखना ही पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि 1 एम्पियर का रखेंगे तो 11 एम्पियर तो है ही, तो 11 एम्पियर की तो MCB आती नहीं है, MCB कितने आती है 16 एम्पियर की MCB आती है। तो आपको
दो किलोवाट का यदि आपका गीजर है तो उसके लिए आपको 16 एम्पियर के एमसीबी को लगाने की जरूरत है। मतलब 16 एम्पियर के यदि आप एमसीबी लगाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप इसका सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुला करके आप इस चीज़ को आप देख लें, वो पूरी तरह से गीज़र की जो रेटिंग है उसको देख लेगा, उस प्रकार से आपका केबल का साइज भी बता देगा और जो एमसीबी है वो भी बता देगा कि कितने एम्पियर का एमसीबी उसमें आपको लगाने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप मोटा मोटा यदि आप जानना चाहते हैं तो देखिए, यदि आपका 1000 वाट का यदि आपका गीज़र है तो वो 5.68 एम्पियर करंट लेगा और लगभग आपको 6 एम्पियर की आप इसमें एमसीबी लगा दें तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा जो 2000 वाट का यदि आपका गीजर है तो वो 11 एम्पियर करंट लेगा, इसमें 16 एम्पियर की यदि आप एमसीबी लगाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा जो 3000 वाट का यदि गीजर है तो उसमें 17 एम्पियर करंट होगा, आप 20 एम्पियर की एमसीबी यदि आप लगा देते हैं तो ये आपका काम चल जाएगा। इसमें देखिए एक चीज़ और भी है, बी और सी प्रकार की आपको एमसीबी लगा देते हैं आप घर में तो आपका काम चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये हुआ कि सी, अब जैसे मान लीजिए आपका 2000 वाट का गीजर है तो 16 एम्पियर, तो सी 16 जिस पर लिखा हो एमसीबी पर वो आप एमसीबी ले करके अपने घर में आप लगा दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एमसीबी जो है आपका वो दो ही चीज़ में सुरक्षा देती है, कौन कौन सी, ओवरलोड में और शॉर्ट सर्किट में, दो ही चीज़ में सुरक्षा देती है आपकी एमसीबी। लेकिन यदि आपका अर्थ फॉल्ट हो रहा है उस कंडीशन पर आपको अपने घर में आरसीसीबी लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, आरसीसीबी लगाने की ज़रूरत है। तो यह क्या करता है, यह करंट बैलेंस के सिद्धांत पर काम करता है और जैसे ही कोई भी लीकेज करंट फ्लो होगी वह तुरंत आपका आरसीसीबी ट्रिप पर जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यह जो आरसीसीबी आप लगवाएं वो 30 मिली एम्पियर की यदि आप आरसीसीबी लगाते हैं तो आपका काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब एमसीबी तो आप लगाएं ही लगाएं, उसके साथ में आप सर्किट में आप एक आरसीसीबी भी लगा दें, उससे पूरी तरह से आपकी जो सेफ्टी है वो फुलफिल हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी असुरक्षित होने पे, कोई दुर्घटना होने पे या कोई भी अर्थ फॉल्ट वगैरह कुछ भी होने पे तुरंत आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी और आप मतलब जो भी व्यक्ति नहा रहा है गीजर के पानी से उसको एक सुरक्षा मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में जाना कि यदि 2 किलोवाट का यदि आपका गीजर है तो कितने एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे, 3 किलोवाट का है तो कितने एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे, 1 किलोवाट का गीजर है तो कितने एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। और जिस साथी ने कमेंट किया था इस टॉपिक के लिए उनको भी इसका जवाब मिल गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है। तो आज वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।